नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा बेसिकली करा रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। आज हम देखेंगे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा मैं और भी सब्जेक्ट का सॉल्व कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला हमारा कौन सा है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। क्या मेन पर्पज होता है वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे, टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोयम, टू नो द हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ पोयम, टू इंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोयम, या टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज हर वर्क। अब इसमें से आपका कौन सा राइट होगा आपको बताना है। तो बात करें इन चारों में से तो कौन सा होगा, तो राइट हमारा सी होगा। सी जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि स्टर्डे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। यहाँ पर आपको आर्टिकल बताना है कि कौन सा होगा। चार ऑप्शंस हैं, साउंड क्या आ रहा है उसी के अनुसार पर, जब भी हम बोल के देखते हैं, साउंड सुन के देखते हैं, उसी के आधार पर हम आर्टिकल को लगाते हैं। तो यूरोपियन आप देखोगे तो यू से लिखते हैं, या इसीलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एलिफेंट है तो ये हम ए से लिखते हैं तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा ए बी सी डी आपको दे रखा है यहाँ पर। तो जो डिस्क्राइब सब में दे रखा है तो डिस्क्राइब जो होता है एक ट्रांसिटिव वर्ड होता है। बात कर लेते हैं आंसर के बारे में, तो ट्रांसिटिव अपने बाद ऑब्जेक्ट को या कर्म को लेके आता है। जब भी आप ट्रांसिटिव वर्ड देखोगे तो वो अपने बाद क्या लाता है, ऑब्जेक्ट या कर्म को लेके आता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि डिस्क्राइब के बाद ऑब्जेक्टिव है इसमें, तो राइट आंसर सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इनमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। अ वाज एक्यूज डैश मर्डर, इसमें आपको प्रीपोजिशन बताना है कि कौन सा इसमें हमारा फिल होगा। ऑप्शन दे रखा है टू ऑफ फॉर और ऑफ, मतलब इधर डबल एफ वाला है। तो बात करते हैं आंसर की, तो याद रखिएगा एक्यूज के बाद ऑफ का ही यूज होता है, यानी कि ऑफ ओ एफ वाला ही हमारा यूज होता है, यानी कि सेकंड वाला जो हमारा है ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट इज द, इसमें आपको बताना है कि इनोसेंट का विलोम शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखा है, एक्टिव, क्लेवर, इग्नोरेंट और गिल्टी, क्या होगा इनमें से। तो ये एंटोनिम्स जो होता है हमारा विलोम शब्द होते हैं, और साइनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द होता है। तो जब भी एंटोनिम्स पूछे तो उसको आप हिंदी में विलोम शब्द समझिएगा, और साइनोनिम्स पूछे तो हिंदी में हमारा समानार्थी शब्द होता है। आपको इनोसेंट का विलोम शब्द बताना है, तो इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोषी, क्या होता है निर्दोषी होता है। तो निर्दोषी का विलोम होगा हमारा दोषी, जैसे दिन का रात, रात का दिन होता है ना उसी वैसे ही। तो ये गिल्टी हमारा क्या है, गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि द साइनोनिम ऑफ सिग्निफिकेशन इज, चार ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है, एफिशिएंट, प्रीमिनेंट, या फिर मैग्निफिकेंट, या फिर इम्पोर्टेंट। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा, कौन सा, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा सेवेंथ नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्यूरल बाई एडिंग अ सफिक्स इन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सफिक्स में ऐसा क्या करें कि ई एन लगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सफिक्स वर्ड के बाद में लगता है और प्रीफिक्स जो है वो हम पहले यूज करते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो, उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में भी है। बात कर लेते हैं आंसर की, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑक्स। ऑक्स में ई एन लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब होता है, ऑक्स का मतलब होता है बैल, और ऑक्सिन का मतलब होता है बैलो। तो हमारा राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीटेड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो आपको चूज करना है। क्वेश्चन है दिस ड्रेस इज डैश है हमारा, फिर एंड दैट वन इज माइन। आपके पास चार ऑप्शन है, योर, आवर बुक, योर्स और योर्स बुक। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, योर्स होगा, जो कि पॉसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में हमें इसको चेंज करना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि हैव द गर्ल्स आस्क टू जो है हमारा क्या है, दिस क्वेश्चन, मतलब हैव द गर्ल आस्क दिस क्वेश्चन, पूछ रहा है कि इसमें हमारा पैसिव में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, सी होगा, यानी कि हैज दिस क्वेश्चन बी आस्क बाय द गर्ल्स, ये हमारा राइट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। अब बताना है कौन सा नाउन है ये गंगापुर, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि गंगापुर जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अब कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। अब आपको इसमें चार ऑप्शन भी दे रखा है कि एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ब्रेव है, ये कौन सी ब्रेव जो है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। तो ब्रेव मतलब होता है बहादुर को कहते हैं, और ये विशेषता बताता है, क्या कर रहा है, ब्रेव का विशेषता बता रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए मटेरियल नाउन। यहाँ पे आपको मटेरियल नाउन बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल नाउन हो जाएगा, अब स्टैटिक नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन या फिर कैलेक्टिक नाउन। तो जो हमारा ये गोल्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, गोल्ड हमारा क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो हमारा इसमें कौन सा होगा मटेरियल नाउन, कौन सा होगा, तो गोल्ड ही होगा। तो जो हमारा होगा वो कॉमन नाउन होगा, जो कि हमारा मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा, गोल्ड होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। अब कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो चार दिया है कौन सा होगा, आपको बताना है सही चूज करके। तो कनेक्शन, कनेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, सहयोग कहते हैं। तो कंजेक्शन जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजेक्शन, जो हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि चारों में से कंजेक्शन जो है वो किस में यूज हुआ है। तो जो राइट है वो है सी इज पुअर बट सी इज वाई नेचर हॉस्पिटल। इसी में क्या हुआ हमारा जो है राइट आंसर हमारा है वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रोजेक्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा सेंटेंस प्रोजेक्ट परफेक्ट टेंस है, आपको बताना है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि डी जो है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डी। चलिए नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांसलेटिव वर्ड, जो सही होगा, जो सही होगा वो कौन सा है हमारा, सी रिटेन वेल, सी वर्क इज द मॉर्निंग डेली, ही इज रनिंग वेरी फास्ट, आई की लेज ने लास्ट नाइट। तो जो हमारा सही होगा वो होगा डी, यानी कि आई किल अ स्नैक। इसमें हमारा किल क्या है, ट्रांसलेटिव वर्ब है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, इसमें नेगेटिव पूछ रहा है। तो आपको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप साफ साफ देख सकते हो कि इसमें हमें नॉट दिख रहा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ही जो ऑप्शन होगा हमारा सही हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको पहले ही नॉट देखने को मिले तो आप आंख बंद करके टिक करके चले आइएगा एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। पहले ही हमें साफ साफ पता चला गया है कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, निगेटिव है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। तो उम्मीद, आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।